wonderful performance by Zahid Mahmood. Two wickets for him. Zahid, बहुत अच्छी performance, दो विकेटें आपने हासिल की. Alex Carey की विकेट जो थी वो बड़े मजे की थी, क्योंकि हमने देखा रिजवान ने कहा था कि रिवर्स के लिए जाएगा, तो थोड़ा सा उसके बारे में बताएं. जी बिल्कुल, जैसे ही वो आए, पहले भी प्लान किया हुआ था, लेकिन जैसे वो आए थे तो प्लान यही था. रिजवान भाई ने भी कहा कि ये रिवर्स अच्छी मारता है, तो उस पर मैंने ये सोचा था कि मैं इसको रिवर्स जो भी मारेगा तो उसमें मैं टांग से गुगली करूँगा ज़्यादातर, तो वही मैं करने जा रहा था. लेकिन वो चेक हो गया था मुझे पहले से ही, तो मैं जो है उसको स्लो किया बॉल, जिसकी वजह से वो बीट हो गए. अच्छा, थोड़ा सा लग रहा था कि टर्न भी मिला है. पिच ओवरऑल कैसे प्ले आउट कर रही है? जी बिल्कुल, थोड़ी हेल्प मिली थी, टर्न हो रहा था तो उससे थोड़ी हेल्प मिल रही थी. तो पहले थोड़ी जो है बॉलिंग मेरे ख्याल में हमने सही नहीं की थी, लेकिन उसके बाद हमने कवर किया और अच्छा पकड़ लिया था. एक पॉइंट पर नज़र आया कि बाबर आए थे आपके पास, सबसे बात भी की, तो क्या उस वक्त क्या डिस्कशन हुई थी? यही था कि बाबर भाई कह रहे थे कि कोशिश करो कि रन्स रोको, जितने भी डॉट बॉल हो सके वो करो और रन्स जो है बाउंड्रीज ना दें. अच्छा, आप 313 उन्होंने बनाया है, थोड़ा सा पुल बैक किया पाकिस्तान ने, एक पॉइंट पे लग रहा था शायद उससे भी ज़्यादा 340-350 करें, तो क्या लगता है टारगेट के बारे में क्या कहें? जी इंशाल्लाह अच्छे, मतलब अच्छे बैट्समैन हैं हमारे सारे, तो कोशिश करेंगे कि चेस करें और इंशाल्लाह चेस हो जाएगा. चलें, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट. जाहिद महमूद जस्ट मेंशनिंग हाउ ही सेट अप Alex Carey व्हेन ही वाज गोइंग फॉर द रिवर्स स्वीप एंड आल्सो हाउ बाबर सॉर्ट ऑफ केम एंड गेव देम अ पेप टॉक एंड हाउ दे मैनेज्ड टू पुल थिंग्स बैक. दे आर आल्सो लुकिंग फॉरवर्ड टू द टारगेट, दे आर लुकिंग कॉन्फिडेंट अबाउट चेसिंग इट, शुड बी अ गुड वन.